बड़वानी जिले में भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। चेतावनी दी गई है कि RBC4 के तहत जल्द से जल्द मुआवजा नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। ज्ञापन में बताया गया है कि ये वर्ष किसानों के लिए सबसे बुरा वर्ष बीता है, जहां लॉकडाउन के कारण किसान अपनी फसल मंडी तक नहीं ले जा पाया और उसे फेंकने को मजबूर हो गया है, तो वहीं अतिवृष्टि तो कहीं इल्लियों के प्रकोप के कारण फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन कई ज्ञापन निवेदन के बाद भी किसान के खेत की फसल का सर्वे तक नहीं हो पाया है, जिसको लेकर आज किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले जिले की 8 तहसीलों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर मांगों के निराकरण की बात कही है। बड़वानी से अतुल कुमाऊत की रिपोर्ट। मतलब करें किसानों के साथ कोई भी व्यवहार करते रहे, अभी तो एक महीने के बाद भी मतलब कुंभकर्ण की नींद में सोया प्रशासन और प्रशासन जो भी विभाग इनसे लगे उन्होंने भी जाके समझा नहीं कि हम किसानों कोई राय मशुरा कर पाता है और क्या दवाई देना है, क्या दिलवाना है, क्या कोई नहीं ऐसा। मंसाराम जी, आवेदन देना है। आवेदन हमने भारतीय किसान संघ जिला बड़वानी के आह्वान पर आज पूरे तहसीलों में 8 तहसीलों में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बिंदु ये है कि जो अभी वर्षा, अधिक वर्षा हुई है, कई जगह सूखे की मार और कई जगह इल्लियों का प्रकोप, कई जगह बीमारी के प्रकोप से मतलब पूरी तरह से फसलें चौपट हुई है, उनको सर्वे को लेकर अभी तक प्रशासन, शासन प्रशासन कोई नहीं अभी तक किसानों के खेतों तक गए। इन्हीं विषयों को लेकर और कई मुद्दे ऐसे हैं जो केंद्र लेवल के, राज्य लेवल के, उनके लिए प्रधानमंत्री जी के नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम भी हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में ये कहा है कि हमें जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो जिले में बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है हमारी। अब कोरोना काल में जो हम लोगों ने 6 महीने तक विगत पूरी फसलें सड़ाकर फेंकी, रोस्तों पर फेंकी, खेतों में फेंकी, भाव ना मिलने के कारण, मंडियां ना बंद रहने के कारण सभी फसलें फेंकनी पड़ी हो, तो हमारी लागत भी नहीं निकल पाई उसमें। तो अब हम, हमारे बच्चे और जिन छोटे काश्तकारों के आज उनका घर चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिससे हम किसान संघ मांग करता है कि अब जल्द से जल्द सर्वे करवा कर हमें RBC 4-6 के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।